हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम फिटनेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है मेरे फुल बॉडी में, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छा कोई मसल बॉडी पार्ट है जो कि ग्रो हुआ है, तो वो है चेस्ट, और इसको लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, चार वीडियो बनाएंगे, दो लेग का और एक पुश पुल। लेग का दोनों वर्कआउट दोनों दिन अलग करते हैं। आज है हमारा पुश डे, और इसमें हम बताएंगे कि फुल बॉडी कैसे कवर करते हैं। और ये वर्कआउट प्लान मैं पिछले दो हफ्ते से फॉलो कर रहा हूँ, और इसमें मैं मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ वर्कआउट कर पा रहा हूँ। दैट्स द रीज़न मैं ये वर्कआउट प्लान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम करने वाले हैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। बारबेल से ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे लिए डंबल्स होते हैं, तो पहला एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। और इसमें ये लास्ट सेट हर वर्कआउट का दिखाएंगे, क्योंकि पहले से लास्ट सेट तक करने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लास्ट सेट जितना हैवी आप कर सकते हो, हैवी का मतलब ये नहीं कि आप 3-4 रैप निकाल रहे हो। ट्राई करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 8 रैप ही होगा। 3 सेट कर चुका हूँ और चौथा सेट है ये। तो ये मेरे जिम का सबसे बड़ा डंबल है, 40 kg। वेट सिलेक्शन ऐसे करना है कि लास्ट वाले रैप में फेल हो या फिर एक पहले या एक बाद में, लेकिन टारगेट ऐसा नहीं रखना है कि 8 रैप है तो 8 ही करना है। 7 में भी फेल हो सकता है और 9 में भी। मैक्स ट्राई करना होता है मैक्सिमम फटीक तक। सेकंड वर्कआउट होगा फ्लैट बेंच प्रेस। डंबल से ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा, पर हमारे जिम में लास्ट वो 40 kg का डंबल है, तो थोड़ा सा एक्सीड करने के लिए इससे कर रहे हैं। अगर डंबल आपका चॉइस है तो आप डंबल भी कर सकते हो। इसमें स्टार्ट करेंगे 80 kg से और एंड भी करेंगे उतने से। वार्म अप सेट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इंक्लाइन में लगा चुके हैं, और मैक्सिमम डर इसी चीज़ का होता है कि एल्बो या फिर शोल्डर में कोई माइनर इंजरी ना आ जाए, क्योंकि मेजर तो आएगा नहीं, क्योंकि इतना संभाल के वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगला वर्कआउट है हमारा सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन। अगर आप डंबल से नहीं कर पाओगे तो आपको केबल का भी अल्टरनेटिव बता दूंगा, आप उससे कर सकते हो, पर मुझे डंबल से ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो इसमें बस रेपिटेशन का ध्यान रखना होता है कि स्लो लगे। ट्राइसेप का बस एक वर्कआउट करके शोल्डर पे शिफ्ट हो जाते हैं, और इसका 2-3 एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक ही एक्सरसाइज करेंगे लैटरल रेजेस। इसमें मैक्सिमम फटीक हम अचीव कर पाएंगे, तो इसका 5 सेट करेंगे और मैक्स रैप करेंगे। इसका 10-12 नहीं, 18-20 रैप करेंगे। हल्के से स्टार्ट करेंगे, लास्ट का 2 सेट हैवी रख सकते हैं अपने फटीक के अकॉर्डिंग, बस रेपिटेशन इसमें 10 से नीचे नहीं आना चाहिए। लास्ट सेट 17.5, 10 रैप ट्राई करेंगे। मैक्सिमम पंप के लिए ना लोग एक बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रैप लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फटीक एक ही पार्ट को पुश करेंगे, जैसे कि चेस्ट को, पर वो मैक्सिमम ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। ऐसे आप किसी भी बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पंप तो फील नहीं करेंगे, मतलब जस्ट बाद पंप फील करेंगे, जैसे कि अभी शोल्डर करा तो शोल्डर में पंप फील होगा, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा पंप है। पर ग्रो करने का तरीका यही है कि आप अपने लेग मसल्स को पूरा 2 दिन दो, वो तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। लेग वर्कआउट हमारा दोनों दिन का अलग अलग होता है, और बाकी पुश पुल आप 4 दिन अगर कर रहे हो तो आपका बॉडी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। ट्राइसेप के जस्ट बाद ट्राइसेप नहीं करा, क्योंकि उसमें छोटा मसल है तो मैक्सिमम फटीक अचीव नहीं कर पाते हैं। बट अभी एक शोल्डर का हो गया, इतने में शोल्डर भी फटीक हो गया, और लास्ट वर्कआउट एक ट्राइसेप का हम आइसोलेशन ट्राई कर लेंगे, उसमें भी हम फेलियर जा सकते हैं। चेस्ट का 2 एक्सरसाइज किया, उसमें मैक्सिमम फटीक अगर आप अचीव कर पा रहे हो तो ये पुश पुल लेग आप आराम से कर सकते हो। आज पुश डे हमारा, तो अभी ट्राइसेप का अल्टरनेटिव पहले दिखा देते हैं। केबल से बेस्ट अल्टरनेटिव है, आप कर सकते हो, सेफ भी है और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन भी अचीव होता है इसमें। ऐसे अपोजिट साइड लाके यहाँ पे हाथ रख सकते हो सपोर्ट के लिए, और इसको इससे आप मैक्स रैप निकाल सकते हो फेलियर तक। ज़्यादा सेफर और ज़्यादा बेटर वे है अपने फेलियर को अचीव करने का। अब तरीका सीख पाए कि कैसे करना होता है, क्योंकि आप इतना रैप सेम लगाओगे पर आपका किसी का ग्रोथ नहीं होता है। उसका रीज़न यही है कि आपका जो मतलब स्पीड है ना वर्कआउट करने का, वो आपके जॉइंट को इफेक्ट करता है, वो उल्टा इफेक्ट डालता है, गलत इफेक्ट डालता है।
आपको मसल को ट्रेन करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको सहना होता है। आप मैक्स लगाएंगे ना मैक्सिमम स्पीड में, तो स्पीड में क्या होता है कि आपका फटीक होता रहता है, बट मतलब होता है ना कि बहुत कम टाइम के लिए होता है, मैक्सिमम आपको सहना नहीं पड़ता है, वो दर्द बहुत कम पीरियड के लिए आता है फिर जाता है, फिर आपको रेस्ट मिल जाता है, फिर आप लगाते हैं। तो एकदम स्लो रेपिटेशन में हम लास्ट वर्कआउट ट्राई करेंगे पुली पुश डाउन, और ये बेस्ट एक्सरसाइज है। आप सेम 12 रेप लगा लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, बस थोड़ा सा पंप फील होगा पर ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे पंप और फटीक में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो हम फटीक के लिए ट्रेन करते हैं ताकि मसल गेन कर पाए, पंप आएगा फिर वर्कआउट के कुछ देर बाद चला जाएगा। इसमें भी मैक्सिमम रैप ट्राई करेंगे और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के साथ। ऐसे स्लो रैप लगाने पे होता यही है कि बीच में ही जब आप अपने फेलियर के नियर होते हो ना, उस टाइम पे ही आपको छोड़ने का मन करता है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक आपको टेंशन में रखता है, सॉरी आपके मसल्स को टेंशन में रखता है। इसी के साथ हमारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट, और इतने वर्कआउट में अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग सेट बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम फटीक अचीव कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ चेस्ट के बहुत ज़्यादा वर्कआउट लगाते हैं तो आपको सिर्फ जिम में ये चीज़ फील होता है कि आप मैक्सिमम फटीक को अचीव कर पा रहे हैं, पर मसल ग्रो नहीं होता है उस तरीके से। पंप आने का मतलब कभी भी ग्रोथ नहीं होता है, आपको मैक्सिमम फटीक अचीव करना है, और वो आप तभी कर पाओगे जब 2 से 3 मसल को आप एक साथ ट्रेन करोगे। इस प्लान को बिगनर्स भी फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो हमारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट, बॉडी का पंप चेक करते हैं। ये रहा आज की कंडीशन, बॉडी में पंप तो बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा थके हो, पर जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ ना, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं इतने ज़्यादा वेट से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 7-8 रैप निकाल पा रहा हूँ। कल मैंने लेग करा था, अगले लेग के वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं लेग का 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वेंसडे और सैटरडे दोनों दिनों हमारा अलग अलग वर्कआउट होता है।